हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है वेयर द मनी इज। ये एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हम वेन नाम के लड़के को और केरल नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और वो दोनों एक गाड़ी में एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है। अब मूवी के अगले सीन में हमें केरल को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो कि वहां पर एक नर्स होती है और वो वहां पर अपने बूढ़े पेशेंट्स का ध्यान रखती है। वो अपने पेशेंट्स को फिजिकली रूप से एक्टिव रखने की कोशिश करती है। अब मूवी के अगले सीन में हमें एक जेल दिखाई जाती है, जहां से एक गाड़ी बाहर निकलती है और उस गाड़ी में हेनरी नाम का कैदी बैठा हुआ था, जो थोड़ा भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। वो गाड़ी सीधा हॉस्पिटल में आकर रुकती है और गाड़ी से बाहर हेनरी को निकाला जाता है, जो कि व्हीलचेयर पर होता है, और जेल का गार्ड हेनरी को हॉस्पिटल में ले जाने लगता है। तब नर्स उसे पूछती है कैसे लकवा मारा है। तब वो गार्ड कहता है हाँ, मुझे ऐसा ही कहा गया है। आगे हेनरी को व्हीलचेयर पर मिसेस फोस्टर के सामने ले जाया जाता है, जो गार्ड से पेपर पर साइन करवाती है और वो गार्ड को कहती है मुझे लगता है तुम्हें इसकी हथकड़ी निकाल देनी चाहिए, इसे यहाँ पर बाकी मरीजों की तरह ही रखा जाएगा। तब जेल का वो गार्ड हेनरी की हथकड़ी खोल देता है। आगे मिसेस फोस्टर वहां से गुजर रही केरल को अपने पास बुलाती है और उसे हेनरी को ऊपर ले जाने के लिए कहती है। केरल हेनरी को ले जाने लगती है और ऊपर जाकर उसकी मूवमेंट को टेस्ट करती है, पर हेनरी थोड़ा भी मूव नहीं कर रहा था। आगे केरल अपना काम करने लगती है, पर तब उसे लग रहा था कि शायद हेनरी उसे ही देख रहा है। मूवी के अगले सीन में केरल अपने बॉयफ्रेंड वेन के साथ होती है और वो उसे कहती है तुम्हें पता है हॉस्पिटल में एक नया पेशेंट आया है और पता है वो कौन है। वेन पूछता है वो कौन है। केरल कहती है वो एक बैंक रॉबर है और उसे पकड़ने में पुलिस को 30 साल लग गए थे और इसलिए पुलिस को पूरी सिटी की लाइट काटनी पड़ी थी और उन्होंने जनरेटर को भी चालू नहीं होने दिया, जिसके कारण हेनरी जिस वॉल्ट में चोरी करने गया था उसी में फंसकर रह गया और अगले दिन जब वॉल्ट ओपन की गई। ये सुनते ही वेन कहता है कार की चाबियां कहां पर है। वेन केरल की बातों को सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और वो कार की चाबियां लेकर वहां से चला जाता है। वेन के जाने के बाद केरल कहती है वॉल्ट ओपन करने के बाद हेनरी उन्हें उसमें मिला था और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब अगले दिन केरल वापस उठकर हॉस्पिटल में जॉब करने जाती है और केरल हेनरी को तैयार कर रही होती है और उससे बातें करने की कोशिश कर रही होती है, पर हेनरी अभी भी थोड़ा सा मूवमेंट नहीं करता। तभी वहां पर केरल का बॉयफ्रेंड वेन आ जाता है और वो केरल से पूछता है इसे क्या प्रॉब्लम है। तब केरल कहती है कुछ नहीं, इसे लकवा मार गया है और अब ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। केरल वेन से थोड़ा नाराज थी, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में काम किया करता था और इसलिए केरल को रात में घर में अकेला रहना पड़ता था। तब वेन केरल से कहता है मैंने अभी ड्रिंक पर अपने बॉस से बात की। तब केरल पूछती है क्या तुम्हें डे शिफ्ट मिल गई। तब वेन कहता है नहीं, मुझे नाइट शिफ्ट ही करना होगी, बस उन्होंने थोड़ा पैसा बढ़ाया और उन्होंने मुझे पेंशन देने का वादा किया और बेनिफिट्स भी दिए। तब केरल कहती है पेंशन उससे क्या होगा। तब वेन कहता है ताकि हम लोग बूढ़े हो जाए तो हमारा खर्चा निकल सके, इस गरीब आदमी की तरह नहीं जो अभी भी दूसरों पर आश्रित है। तब केरल कहती है तुम इसे नहीं जानते, शायद इसके पास इतना पैसा होगा कि हम शायद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाए, पर इसने शायद अभी वो पैसा कहीं पर छिपा रखा होगा। कल रात मैं तुम्हें जिस बैंक रॉबर के बारे में बता रही थी ये वही आदमी है। ये सारी बातें सुनकर वेन कहता है मैं जल्दी अपने बॉस से डे शिफ्ट की बात करूंगा। आगे केरल और वेन एक दूसरे को किस करने लगते और वेन केरल के साथ वहीं पर इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तब केरल वेन को रोककर हेनरी की व्हील चेयर को दूसरे रूम में ले जाती है। हेनरी का फेस अपोजिट डायरेक्शन में था और वो लोग वहीं पर इंटीमेट होने लगते हेनरी की व्हील चेयर के पीछे। आगे वेन वहां से निकल जाता है और केरल भी हेनरी के पास आती है और केरल नोटिस करती है कि हेनरी के फेस के ठीक सामने शीशा खुला हुआ था, यानी वो जो कुछ भी कर रहे थे हेनरी उन्हें देख सकता था। केरल को ये बात बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि जब इंटीमेट होने से पहले वो हेनरी को वहाँ पर लेकर आई थी तब हेनरी के फेस के सामने वो शीशा खुला हुआ नहीं था। केरल समझ जाती है कि हो ना हो हेनरी उन्हें इंटीमेट होते हुए देख रहा था और शायद वो शीशा भी हेनरी ने ही खोला हो। अब केरल को हेनरी पर शक होने लगता है कि कहीं वो लकवाग्रस्त होने का नाटक तो नहीं कर रहा। अब मूवी में हमें रात में हेनरी को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर होता है। तब उसके रूम में हॉस्पिटल में काम करने वाला काल नाम का आदमी आता है और काल हेनरी का सामान चुरा कर वहाँ से ले जाता है।
अब अगले दिन सुबह हॉस्पिटल के सभी मरीज हॉल में बैठकर टीवी देख रहे होते और उस हॉल में हेनरी भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। तभी अचानक से हॉस्पिटल की एक बूढ़ी मरीज जोर जोर से खांसने लगती है। तब वहां पर कोई भी नर्स मौजूद नहीं थी और वो बूढ़ी लेडी लगातार खांस रही थी। तभी अचानक से उस हॉल में पड़ा हुआ एक लैंप नीचे गिर जाता है। डैम की आवाज सुनकर केरल नर्स के साथ उस हॉल में आ जाती है और उस बूढ़ी लेडी को देखने लगती है। उस बूढ़ी लेडी की खांसी बंद नहीं हो रही थी, तब केरल उसे नर्स के साथ डॉक्टर के पास भेज देती है और आगे केरल वहां बिखरा हुआ सामान उठाने लगती है। तभी केरल की नजर उस टूटे हुए लैंप पर पड़ती है। जो लैंप अब टूट गया था और वो लैंप हेनरी की व्हीलचेयर के बिल्कुल करीब था। उस टूटे हुए लैंप को देखकर केरल को हेनरी पर वापस शक होता है कि हेनरी ने वो लैंप किराया होगा नर्स को बुलाने के लिए। अब आगे केरल हेनरी की फाइल को देखने लगती है और केरल को पता चलता है कि हेनरी काफी बड़ी बड़ी चोरियां और स्कैम को अंजाम दे चुका था। आगे केरल काम करते हुए हेनरी पर नजर रखने लगती है कि वो मूव हो और वो उसे देख पाए, और केरल हेनरी के पास अपने हाथ की प्लेट जोर से नीचे फेंक देती है, पर तब भी हेनरी थोड़ा सा भी मूव नहीं होता। पर केरल का शक अभी भी दूर नहीं हुआ था। आगे केरल एक कमरे में हेनरी को अपने साथ बंद कर लेती है और केरल हेनरी से कहती है, अब तुम डॉक्टर की जेल में हो, देखते हैं तुम कैसे मूव नहीं करते। और केरल हेनरी की व्हीलचेयर के आसपास लैप डांस करने लगती है। वो हेनरी के बिल्कुल पास आ जाती है, उसे रिझाने लगती है ताकि हेनरी उसे पकड़ ले, पर हेनरी इस बार भी थोड़ा भी मूव नहीं होता। और केरल हार मानकर हेनरी से कहती है, थेरेपी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है जब पेशेंट इस तरह से रिजिड हो जाता है, मुझे लगता है तुम्हें बाहर के एनवायरमेंट की जरूरत है। अब मूवी के अगले सीन में केरल मिसेस फॉस्टर से परमिशन लेकर हेनरी को बाहर ले जाने का प्लान बनाती है और वो मिसेस फॉस्टर को बताती है शायद खुले एनवायरनमेंट में जाकर हेनरी की हालत में चेंज आ सकता है। मूवी के अगले सीन में वेन गाड़ी चला रहा होता है और गाड़ी के पीछे हेनरी भी बैठा होता है। वेन ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था कि केरल को ट्रिप पर हेनरी को लाने की क्या जरूरत थी। आगे वो लोग नदी किनारे अपना टाइम स्पेंड करने जाते हैं और केरल वहां पर भी हेनरी को उकसाने की कोशिश कर रही थी उसे खाना दिखाकर। आगे केरल वेन को मछली पकड़ने के लिए भेज देती है और फिर केरल हेनरी की व्हीलचेयर को नदी के पास ले जाती है और वो उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन सकते हो और ये तुम्हारा लास्ट चांस है, मुझसे बात करो। पर तब भी हेनरी थोड़ा भी मूव नहीं होता। तब केरल हेनरी को व्हीलचेयर पर बिठाकर उसे नदी में फेंक देती है। वेन भी दूर खड़ा यह देख लेता है और वो हेनरी को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, पर केरल वेट कर रही थी कि हेनरी तैरकर ऊपर आएगा। बहुत देर तक हेनरी ऊपर नहीं आता तो केरल भी अपने जूते उतारने लगती है पानी में जाने के लिए, पर तब तक हेनरी पुल के ऊपर आकर केरल के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और हेनरी केरल से कहता है, चलो मैंने मान लिया तुम स्मार्ट हो, अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। केरल कुछ समझ नहीं थी और वो कहती है, मुझे नहीं पता मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। तब हेनरी कहता है, मैं 2.5 साल से लकवाग्रस्त होने का नाटक कर रहा हूँ और तुमने बिना मतलब के मेरा भांडा फोड़ दिया। तब तक वहाँ पर वेन भी आ जाता है और हेनरी उससे कहता है, तुम मुझे कब बचाने आने वाले थे। और अब आगे हेनरी ड्रिंक पीने के लिए बार में चला जाता है, तब उसके साथ केरल और वेन भी मौजूद होते है। तब हेनरी कहता है, एक बार मुझे जेल की लाइब्रेरी में काम करने के लिए भेज दिया गया था, तब वहाँ पर मैंने तांत्रिक बौद्ध धर्म, आत्मसम्मोहन और माइंड कंट्रोल के बारे में पढ़ा और फिर मैं सोचने लगा ये सब मेरे किस काम आ सकता है, और उसके बाद मैं इन विधियों की दिन भर प्रैक्टिस करने लगा, और जब मुझे पता चला मैं ये सब कर सकता हूँ तब मैंने लकवाग्रस्त होने का नाटक शुरू किया। मैं जब भी मूव करता तो जेल्स के गार्ड को पता भी नहीं चलता। एक बार एक कॉकरोच मेरे शर्ट से निकलकर मेरे होठ और नाक के बीच में आ बैठा और वो मुझे लगातार वहां पर खरोंचने लगा। तब गार्ड भी मुझ पर नजर रखा हुआ था और मैं सोच रहा था कब मुझे मौका मिले और मैं उस कॉकरोच को हटा दूं, और ये सब कई घंटों तक चलता रहा। लकवाग्रस्त होकर मैं वेट करता रहा उस दिन का जब मैं धमाल मचा सकूं। तब केरल पूछती है, तो उस दिन जीता कौन, वो कॉकरोच या फिर तुम। तब हेनरी केरल के हाथ से जलती हुई सिगरेट लेकर उसे अपनी हथेली पर लगा देता है और हेनरी के चेहरे को देखकर हमें पता चलता है कि हेनरी को उसका कोई भी असर नहीं हुआ था। तब हेनरी कहता है, और तुम्हें लगता था कि तुम मेरे आजू बाजू लैप डांस करोगी और मैं मूव हो जाऊंगा। लैप डांस के बारे में सुनकर वेन पूछता है, ये किस लैप डांस की बात कर रहा है। तब हेनरी कहता है, कुछ नहीं, वो एक थेरेपी थी। आगे हेनरी केरल को लेकर डांस करने चला जाता है और वो दोनों ही डांस को काफी एंजॉय कर रहे थे। ये सब देखकर वेन को जलन होने लगती है और वेन उन दोनों के बीच में जाता है और वो हेनरी को वहां से जाने का बोलकर खुद केरल के साथ डांस करने लगता है। वेन केरल से पूछता है, तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे। तब केरल वेन से पूछती है, तो इस बात से तुम्हें क्यों जलन हो रही थी। दूसरी तरफ हेनरी वेन की गाड़ी की चाबी टेबल से उठाकर वहां से निकल जाता है। केरल को हेनरी कहीं दिखाई नहीं देता तो वो बाहर आकर देखती है। तब तक हेनरी गाड़ी लेकर वहां से निकल चुका था। तब वहां पर वेन भी आता है और वो केरल से कहता है, हमें पुलिस को कॉल करना होगा। तब केरल पूछती है, और तुम पुलिस को क्या बोलोगे।
बेन कहता है कुछ भी हम बोल देंगे, हम अपना काम कर रहे थे, तभी वो व्हीलचेयर से उठकर हमारी गाड़ी लेकर भाग गया। तब कैरल कहती है और इतने लोगों ने मुझे हैंडी के साथ डांस करते हुए देखा, उसका क्या? ये बात सुनकर वेन रुक जाता है कि वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकता। तब वेन कैरल से पूछता है तो हम लोग अब क्या करेंगे? तब केरल कहती मुझे नहीं पता, पहले हमें गैराज में रखी हुई दूसरी गाड़ी ठीक करनी होगी और उसके बाद हम कहीं चले जाएंगे समय बिताने। वेन केरल पर गुस्सा था तो वो वहां से चला जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हेनरी किसी को फोन बूथ से कॉल करता है और अपना पैसा लौटाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वेन भी अपने गैराज में पड़ी हुई उसकी दूसरी गाड़ी को सुधार देता है और वेन और केरल भी उस गाड़ी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। आगे केरल चुपके से हॉस्पिटल में चली जाती है और वहाँ एक बूढ़े मरीज के पांव से उसका लोकेशन डिटेक्टर निकालकर उसे बाहर ले जाती है। वैसे ही हॉस्पिटल का अलार्म बजने लगता है और नाइट ड्यूटी कर रहा काल उस मरीज को देखने जाता है। तब वहाँ पर चुपके से केरल आकर रजिस्टर में हेनरी के वापस लौटने का टाइम लिख देती है ताकि हॉस्पिटल वालों को पता चले कि हेनरी गायब है। तब रजिस्टर में उन्हें हेनरी के वापस लौटने का टाइम मिल जाए और हेनरी के खो जाने का इल्जाम केरल पर ना लगकर हॉस्पिटल पर लगेगा। आगे केरल वेन के पास जाकर कहती है मैंने साइन कर दिए, अब हम पे कोई शक नहीं करेगा। अगले दिन केरल वापस हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी के लिए आती है, तभी केरल देखती है कि एक नर्स हेनरी को वहां से लेकर जा रही थी, यानी हेनरी वापस हॉस्पिटल में आ चुका था और वापस लकवाग्रस्त होने का नाटक कर रहा था। आगे केरल हेनरी के पास जाती है और उससे पूछती है तुम भाग सकते थे तो तुम वापस लौट के क्यों आए? हो सकता है कि तुमने किसी को कॉल किया हो और वो तुमसे मिलने ना आया हो, या फिर पुलिस ने तुम्हें देख लिया हो इसलिए तुम वापस आ गए। तब हेनरी केरल की बात का कोई जवाब नहीं देता और वो वापस लकवाग्रस्त होने का नाटक करने लगता है। दूसरी तरफ वेन को पता चलता है कि हेनरी वापस लौट चुका है, तब वो केरल से कहता है तुम्हें हॉस्पिटल में सिर्फ अपना काम करना है और हेनरी को ज्यादा मुंह मत लगाना। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर रात में एक गाड़ी आती है और हेनरी भी चुपके से उस गाड़ी वाले से मिलने के लिए आता है और हेनरी उस गाड़ी वाले से कहता है मेरा पैसा कहाँ पर है, तुम मेरा पैसा नहीं लाए, और ऐसा कहकर हेनरी उस गाड़ी वाले ड्राइवर पर गुस्सा होने लगता है। तब वो गाड़ी वाला अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और हेनरी उसे देखता रह जाता है। दूर अपनी गाड़ी में बैठे हुए केरल भी यह सब देख रही थी, वो हेनरी पर लगातार नजर रख रही थी। हेनरी वापस हॉस्पिटल में अपने रूम में जाता है, तब वहां पर केरल भी पहुंच जाती है और केरल हेनरी से पूछती है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? हेनरी बहुत गुस्से में था, तब केरल पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारा पार्टनर भाग गया तुम्हें बिना पैसा दिए? तब हेनरी कहता है मेरा पार्टनर कब से मारा गया, मरने से पहले उसने मुझसे पूछा था कि वो मेरे पैसे का क्या करे, तब मैंने उससे कहा था कि तुम अपने बेटे को दे देना और वो मेरा पैसा संभाल कर रखेगा, पर अब उसका बेटा जिसे मैंने रमी खेलना सिखाया वो मुझे पैसा देने के लिए तैयार नहीं है और उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसके आसपास जाने की कोशिश भी की तो वो मुझे एक पैसा नहीं देने वाला। अब मूवी के अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का रात का सीन बताया जाता है, जब हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करने वाला कार्ल हेनरी के रूम में आता है और वो डोर में रखा हेनरी का सामान उठाकर अपने साथ ले जाता है। बार बार कार्ल को अपना सामान चोरी करते देख हेनरी परेशान हो गया था और हेनरी रात में उठकर कार्ल की बाइक को खराब कर देता है। अगले दिन सुबह कार्ल अपनी शिफ्ट खत्म करके जाने लगता है, पर गाड़ी चलाते ही कार्ल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण कार्ल को काफी चोट भी आती है। आगे मिसिस फॉस्टर केरल को बताती है कि हेनरी को जल्द ही जेल के हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जैसे ही उनके पास हेनरी के लिए बेड खाली हो जाए। आगे केरल हेनरी को अपने साथ वापस बाहर ले जाती है और हॉस्पिटल से दूर वो दोनों एक कॉफी शॉप में लंच करने लगते हैं। तब केरल हेनरी से कहती है रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ एक बैंक है, उसे देखकर तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है हम दोनों मिलकर उस बैंक को लूट सकते हैं? ये सुनकर हेनरी कहता है मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ मिलकर ये करूंगा, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? तब केरल कहती है मैं रोजाना सुबह उठती हूँ और पेशेंट के डायपर चेंज करती हूँ, उनकी लार साफ करती हूँ, मैं आगे ये सब नहीं करना चाहती, मैं उस हॉस्पिटल में रहकर एक तरह से मर चुकी हूँ, मैंने अपने सारे शौक मार दिए है, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, बहुत सारा पैसा पाना चाहती हूँ। तब हेनरी कहता है तो इसके लिए तो तुम्हें लैप डांस करना चाहिए। यह सुनकर केरल हंस के वहां से जाने लगती है। अब आगे केरल और हेनरी वापस हॉस्पिटल के लिए निकल चुके होते हैं। तब हेनरी केरल से कहता है जो कुछ भी तुमको इजी लगे वो हम कर सकते हैं, हम रॉबरी करेंगे पर पहले तुम उस पर होमवर्क करो। केरल चाहती थी कि हेनरी उसके साथ मिलकर कोई रॉबरी करे ताकि उसके पास भी काफी सारा पैसा आ जाए और हेनरी भी केरल की इस बात के लिए तैयार हो चुका था।
हेनरी और कैरल वापस लौटकर आ रहे थे, तब वेन भी उन दोनों को गाड़ी में एक साथ देख लेता है। अब मूवी के अगले सीन में कैरल एक आर्मर ट्रक पर नजर रखने लगती है, जिस आर्मर ट्रक में बैंकों से और स्टोर से काफी सारा पैसा रोजाना इकट्ठा करके ले जाया जाता था। कैरल भी उस ट्रक पर और उसके रूट पर नजर रखने लगती है और कैरल उस आर्मर ट्रक के बारे में आगे हेनरी को जाकर बताती है। तब हेनरी कहता है, एक आर्मर ट्रक को लूटने के लिए हमें पूरी आर्मी चाहिए होगी, ये इतना आसान नहीं होगा। आगे वेन अपने घर में अकेला सोया होता है, तभी उसे कैरल का वॉइस मैसेज आता है, मैं अभी घर पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं अभी पेशेंट्स के साथ हूँ। यह सुनकर वेन को गुस्सा आता है और वो गुस्से में गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर वेन हेनरी की व्हील चेयर को देखता है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और आगे वेन हेनरी को अकेले में ले जाकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरी वाइफ के साथ क्या करना चाहते हो, इसलिए मेरी वाइफ से दूर रहो। तभी वहां पर कैरल भी आ जाती है और वो वेन को अकेले में ले जाकर कहती है, तुम इसके साथ क्या करने वाले थे। तब वेन गुस्से में कहता है, और तुम इसके साथ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें देख लिया था, तुम इसके साथ कार में घूम रही थी। तब कैरल कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, हम दोनों बस साथ में मिलकर पैसा लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। तब वेन कहता है, तो तुम दोनों साथ में मिलोगे और बैंक लूटोगे। कैरल कहती है, नहीं, हम आर्मर ट्रक लूटने वाले हैं और ये हेनरी का नहीं बल्कि मेरा आइडिया था। अब आगे वेन एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, तभी कैरल वहां पर उसे लेने आती है और आगे वो दोनों साथ में जाने लगते है। तब वेन उसे कहता है, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो, पर मैं क्या करूंगा, मैंने तय किया है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस रॉबरी का हिस्सा बनूंगा। ये सुनकर कैरल खुश होती है कि अब वो दो से तीन लोग हो गए। आगे कैरल हेनरी को बताती है कि वेन भी हमारे साथ इस प्लान में काम करेगा, पर हेनरी वेन को अपने साथ इस प्लान में शामिल नहीं करना चाहता था। तब हेनरी कैरल से कहता है, मैं तुम लोगों के साथ एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, यदि कुछ गलत हुआ तो मैं सबसे पहले भागूंगा। आगे कैरल उस आर्मर ट्रक पर नजर रखते रखते उस आर्मर ट्रक का वीडियो बनाने लगती है। वो आर्मर ट्रक कई जगह से पैसा कलेक्ट करने का काम करता था और फिर उन पैसों को बैंक में जमा कर दिया जाता था। कैरल आर्मर ट्रक का वो वीडियो हेनरी को भी दिखाती है। तब हेनरी कहता है, हमें आर्मर ट्रक में बैठे गार्ड्स को उस वक्त पकड़ना है जब गार्ड्स के हाथ अपनी गन से दूर रहे और वो बिल्कुल फ्री होकर रहे। तब कैरल उस स्टोर में जाती है जहाँ पर वो गार्ड्स पैसा कलेक्ट करने से पहले कुछ खाने जाते है और उसके बाद ही वो पैसा कलेक्ट करना शुरू करते है। वहां पर उसे गार्ड्स भी दिखाई देते जो बिल्कुल फ्री होकर घूम रहे थे और आर्मर ट्रक में कोई भी मौजूद नहीं था। कैरल इस बारे में हेनरी को ही बताती है कि उस वक्त वो दोनों ट्रक से दूर रहते हैं। ये सुनकर हेनरी कहता है, ये बहुत ही अच्छा टाइम होगा। तब कैरल कहती है, तो हम लोग उन दोनों गार्ड्स की शिफ्ट खत्म होने के बाद उन्हें मारकर वो आर्मर ट्रक लूट लेंगे। तब वेन कहता है, हम लोग ये कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों गार्ड बहुत बड़े इडियट है। ये सुनकर हेनरी कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जब उनके आर्मर ट्रक में पैसा होगा तो वो लोग काफी सजग होंगे और उस वक्त उनका हाथ उनकी बंदूक के पास होगा, वो लोग कभी भी ट्रिगर दबा सकते हैं। हम उन लोगों के शिफ्ट की शुरुआत में ही उन लोगों को बंदी बना लेंगे, उस समय वो ज्यादा सचेत नहीं होंगे क्योंकि आर्मर ट्रक पहले से ही खाली होगा और उनको पैसा लूट जाने की फिक्र नहीं होगी। आगे हेनरी वेन को उन सारे सामान की लिस्ट देता है जो उन्हें चाहिए था रॉबरी करने के लिए और हेनरी कहता है, इसमें मेकअप का सामान, डक टेप और सारे सामान की लिस्ट है और तुम्हें एक लेविस नाम के बंदे से मिलना होगा जो तुम्हें गन प्रोवाइड करेगा, इस लिस्ट में उसका नंबर भी है। अब आगे वेन केरल के साथ गन लेने उन आदमियों के पास जाता है। तब गन देने वाले वो दोनों आदमी वेन को अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर केरल थोड़ा घबरा जाती है और केरल भी रॉड लेकर वेन को बचाने जाने लगती है, पर तब वहाँ पर वेन आ जाता है और वो केरल से कहता है, गन मिल चुकी है, जल्दी चलो यहाँ से। अब आगे वो तीनों रॉबरी की तैयारी करने लगते है और वेन भी कहीं से एक गाड़ी चुरा कर ले आता है जो वो चोरी में यूज करने वाले थे। अब मूवी में आगे हमें रॉबरी वाले रात की घटना बताई जाती है, जब रात में हॉस्पिटल से बाहर आकर हेनरी उन दोनों का इंतजार कर रहा था और वेन वहां पर गाड़ी लेकर आ जाता है। तब हेनरी गाड़ी में बैठकर अपनी नकली मूछें लगा लेता है और वो लोग रॉबरी करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आर्मर ट्रक के वो दोनों गार्ड स्टोर के बाहर ट्रक खड़ा करके अंदर कुछ खाने जाते हैं। वो वापस बाहर निकलते तभी हेनरी और वेन उन पर गन अड़ा के उनसे उनके हथियार छीन लेते हैं और उन दोनों के कपड़े उतार कर उन्हें आर्मर ट्रक में बंद कर देते हैं। आगे वो लोग आर्मर ट्रक को उनकी गाड़ी के पास जंगल में ले जाते हैं और वहां उन दोनों गार्ड्स को बांध के गाड़ी में ही बंद कर देते हैं और आगे वो तीनों उस आर्मर ट्रक को लेकर निकल जाते हैं। कैरल आर्मर ट्रक के पीछे बैठी होती है और वो उन सभी जगहों पर कॉल करने लगती है जहां से उन्हें पैसा कलेक्ट करना था और कैरल कॉल पर कहती है, हम चेंबर कुरियर सर्विस से बोल रहे हैं, हमारे आर्मर ट्रक में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए हमने दूसरे क्रू को भेजा है पैसा कलेक्ट करने के लिए, वो क्रू आपके पास रोजाना के समय पर पहुंच जाएगा।
आगे कैरल हेनरी से कहती है, मैंने मैक्स मार्ट में बात कर ली है, हमें 9 मिनट में वहाँ पर पहुंचकर पैसा कलेक्ट करना है। अब वो तीनों आर्मर ट्रक लेकर मैक्स मार्ट पर जाते हैं और हेनरी पैसा लेने मार्ट के अंदर जाता है। हेनरी मार्ट से पैसा कलेक्ट कर लेता है पर तभी उसे वहाँ पर 2 पुलिस वाले मिल जाते हैं और वो लोग हेनरी से सवाल जवाब करने लगते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला हेनरी से पूछता है, क्या तुम कोई एक्स कॉप हो? तब हेनरी कहता है, नहीं, पहले मैं फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में था। और हेनरी भी उन दोनों पुलिस वालों को बातों में घुमाने लगता है। तब उन दोनों पुलिस वालों को हेनरी की बातें बकवास लगने लगती है और वो लोग हेनरी को बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से मैक्स मार्ट से हेनरी की टीम ने पैसा कलेक्ट कर लिया था। आगे वो लोग दूसरी जगह पर जाने लगते हैं जहाँ से उन्हें पैसा कलेक्ट करना था और केरल वहाँ पहुँचने से पहले ही उस जगह पर कॉल कर देती है कि पैसा कलेक्ट करने के लिए कोई नया क्रू आने वाला है। आगे वो लोग पैसा कलेक्ट करने के लिए एक स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पर अभी अभी एक कंसर्ट खत्म हुआ था और उस कंसर्ट में होने वाले पूरे कलेक्शन को ही उन्हें कलेक्ट करना था। हेनरी स्टेडियम में जाता है पैसा कलेक्ट करने के लिए और उस पर कोई बिना शक किए कंसर्ट में कलेक्ट किए गए सारे पैसों को पैकेट में भरकर दे दिया जाता है। आगे उनका नेक्स्ट स्टॉप एक बार था और वैन आर्मर ट्रक चलाकर वहां ट्रक ले जाने लगता है। केरल ट्रक के पीछे बैठी हुई थी और वो सारे पैसों को प्लास्टिक की थैली में भरने लगती है। आगे वो लोग उस बार में पहुंचते हैं और हेनरी पैसा कलेक्ट करने के लिए बार के अंदर जाता है। तब बार का मालिक हेनरी से थोड़े सवाल जवाब करके उसे सारा पैसा दे देता है और इसी तरह से एक एक करके वो उन सारी जगहों पर जाते हैं जहां से आर्मर ट्रक रोजाना पैसा कलेक्ट किया करता था। अब सुबह की 3:30 बजने वाली थी और वो उस लास्ट स्टॉप पर पहुंचने वाले थे जहां से उन्हें पैसा कलेक्ट करना था और वो जगह एक अम्यूजमेंट पार्क होती है। उस जगह का दरवाजा खुलता है और वैन ट्रक लेकर अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चला जाता है जहां पर एक गार्ड होता है जो अम्यूजमेंट पार्क का सारा कलेक्शन एक पेटी में लेकर आता है। उस पेटी को केरल भी देख लेती है और वो वैन से कहती है, इस पेटी को आर्मर ट्रक के छोटे वाले दरवाजे से अंदर नहीं भेजा जा सकता, इसके लिए बड़ा वाला डोर ओपन करना होगा और आर्मर ट्रक के अंदर मैं बैठी हुई हूँ। दूसरी तरफ गार्ड हेनरी से कहता है, तुम इस पूरे बॉक्स को ट्रक के अंदर लोड कर दो। हेनरी को भी समझ आ जाता है कि वो ट्रक का बड़ा वाला दरवाजा नहीं खोल सकते, नहीं तो वो गार्ड ट्रक के पीछे केरल को देख लेगा और उनका भांडा फूट सकता है। आगे वो गार्ड उस पैसों से भरे बॉक्स को लेकर ट्रक की तरफ बढ़ने लगता है और केरल ट्रक के अंदर छिपने की कहीं कोशिश करने लगती है। वैन भी अपनी गन लेकर ट्रक से नीचे उतर जाता है पर तभी ट्रक के अंदर से केरल अम्यूजमेंट पार्क के अंदर फोन करती है। तब वो गार्ड उस पैसे से भरे बैग्स को छोड़कर फोन अटेंड करने चला जाता है और तब तक दरवाजा खोलकर वैन और हेनरी उस बॉक्स को अंदर चला देते हैं। गार्ड कॉल अटेंड करता है और वो हेनरी से कहता है, ये फोन तुम्हारे लिए था, तुम अपने ऑफिस जाओ तो रास्ते से कहीं से दूध लेते हुए जाना। और हेनरी और वैन उस आखिरी जगह से ही पैसा कलेक्ट करके ट्रक को लेकर निकल जाते हैं। अब आगे वो तीनों आर्मर ट्रक लेकर जंगल में अपनी वैन के पास जाते हैं जिसके अंदर उन्होंने गार्ड्स को बंद कर रखा था पर वो लोग देखते हैं कि वो गार्ड्स गाड़ी के अंदर से भाग गए थे। तब वैन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उन दोनों को बहुत अच्छे से बांधा था। तब हेनरी कहता है, उन्हें छोड़ो, वो यहीं कहीं जंगल से भाग कर अभी रोड तक पहुंचे होंगे, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा नहीं तो पुलिस यहां तक पहुंच जाएगी। आगे वो लोग आर्मर ट्रक का सारा पैसा वैन के अंदर डालने लगते हैं और वहां से वैन लेकर निकल जाते हैं। तब हेनरी उन दोनों को कहता है, ऐसे बैग्स का इंतजाम करो जिसमें सारा पैसा आ सके और हम इन पैसों को आसानी से अपनी गाड़ी में रख सके और वैन तुम जाकर इस गाड़ी को एयरपोर्ट के पास लगा दोगे ताकि पुलिस को गाड़ी मिल भी जाए तो उन्हें लगे कि पैसा लूटने वाले प्लेन से यहां से निकल चुके हैं। आगे केरल और हेनरी वैन की गाड़ी में वो सारा पैसा डालकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वैन भी उस गाड़ी को एयरपोर्ट पर जाकर वहां पार्क कर देता है और हेनरी को हॉस्पिटल में वापस छोड़कर केरल वैन को लेने चली जाती है और आगे रोजाना की तरह सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। केरल हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी करने लगती है और हेनरी वापस लगभग रस होने का नाटक करने लगता है। आगे वैन अपने घर में पैसों के साथ होता है और वो रेडियो पर लगातार न्यूज सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में केरल भी रॉबरी की न्यूज देखने लगती है और वो जाकर हेनरी को बताती है, मैंने न्यूज में देखा है पुलिस को एयरपोर्ट पर वो गाड़ी मिल चुकी है और पुलिस 2 आदमियों के पीछे लग चुकी है जो फ्लाइट लेकर मियामी गए है। दूसरी तरफ वैन इतने सारे पैसों को देखकर काफी खुश था और वो सारे पैसों की काउंटिंग कर रहा था। आगे केरल देखती है कि हॉस्पिटल के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है और पुलिस अपने साथ हेनरी को हॉस्पिटल से ले जाती है। केरल ये बात कॉल करके वैन को ही बताती है, हेनरी को पुलिस वापस से जेल में ले गई है, हमें उसे बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तब वैन कहता है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उसे जेल में जाने दो और तुम सीधे घर पर आओ। पर केरल वैन की बातों को नहीं मानती और वो हॉस्पिटल से निकल जाती है हेनरी को बचाने के लिए और केरल अपनी गाड़ी ले जाकर पुलिस की गाड़ी के सामने से निकालकर अपनी गाड़ी सड़क से नीचे उतार देती है। तब पुलिस की गाड़ी में बैठा गार्ड केरल को देखने जाता है और केरल उस गार्ड से उसकी गन लेकर उस पर ही अड़ा देती है
और वो गार्ड को गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कहती है। गार्ड दरवाजा खोलता है तो वो देखता है हेनरी बिल्कुल ठीक था। अब आगे कैरल कॉल करके वेन को ही बताती है कि उसने हेनरी को छुड़ा लिया। ये सुनकर वेन गुस्सा होता है, तुमने ऐसा क्यों किया, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब कैरल कहती है तुम सारा पैसा इकट्ठा करके रखो, हम जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे। अब आगे कैरल हेनरी को लेकर वेन के पास पहुँचती है और वेन अब कैरल से काफी अच्छा बर्ताव कर रहा था। वो कहता है मैंने सारी तैयारियां कर ली है यहाँ से भागने की और मैंने पैसों को दो हिस्सों में बांट लिया है, एक हिस्सा हेनरी का होगा और एक हमारा होगा। पहले मैंने सोचा कि पैसों को तीन हिस्सों में बांटा जाए, केरल मेरे और हेनरी के हिस्से में, पर बाद में मुझे लगा कि केरल और मैं तो एक ही है, इसलिए हमने दो हिस्सों में बांटा। यह सुनकर हेनरी वेन से कहता है क्या तुमने इस बारे में केरल से बात की कि उसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, वो पैसा तुम्हारे हिस्से से लेगी, या तुमने डिसीजन खुद ही ले लिया, केरल को पूछना जरूरी नहीं समझा। आगे हेनरी बाहर देखता है तो घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। तब वेन केरल से कहता है पुलिस को मैंने बुलाया है, मैंने अपने दोस्त से इस बारे में बात की जो पुलिस वाला था और उसने मुझसे कहा कि पुलिस को हम दोनों से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हेनरी चाहिए, ऐसा करके हम दोनों बच सकते हैं। आगे वेन केरल से कहता है हम दोनों बाहर जाएंगे और पुलिस इसको देख लेगी। तब केरल वेन से कहती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। वेन केरल को सोचने के लिए कहता है पर केरल उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती और वेन घर के बाहर चला जाता है पुलिस के पास सरेंडर करने। वेन को लग रहा था कि पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करेगी पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। आगे पुलिस अनाउंस करती है केरल और हेनरी को हाथ ऊपर करके बाहर आने के लिए, पर वो लोग काफी देर तक बाहर नहीं आते और घर के गैराज से तेजी से गाड़ी निकलकर जंगल की तरफ दौड़ने लगती है। तब सारी पुलिस की गाड़ियां उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। उस गाड़ी में हेनरी होता है जिसने पुलिस के ध्यान को भटका दिया था और सारी गाड़ियां उसका पीछा करने लगती है और मौका पाकर केरल उन सारे पैसों को थैली में भरकर वहां से भागने लगती है। हेनरी उस गाड़ी को तेजी से नदी की तरफ ले जाता है और गाड़ी को नदी में कुदा देता है। गाड़ी पानी में डूब जाती है और वेन को भी ये देखकर अफसोस होता है कि गाड़ी में केरल भी मौजूद थी और वो भी मारी गई। छानबीन करने पर पुलिस को गाड़ी के अंदर या पानी के अंदर किसी की डेड बॉडी नहीं मिलती और पुलिस हॉस्पिटल में सभी के बयान लेती है तो सभी लोग केरल की तारीफ ही कर रहे थे कि वो एक काफी अच्छी नर्स थी, वो कोई क्राइम नहीं कर सकती। अब मूवी में आगे हमें एक बड़ी ज्वेलरी शॉप दिखाई जाती है जहां पर केरल और ज्वेलरी शॉप का ऑनर मौजूद होता है। केरल के हाथ में एक अंगूठी फंस गई थी जिसे ज्वेलरी शॉप का ऑनर निकालने की कोशिश कर रहा था पर वो अंगूठी नहीं निकल रही थी। तब ज्वेलरी शॉप का ऑनर कहता है मेरा असिस्टेंट एक घंटे बाद आएगा, वो ये काम कर सकता है, आप अगर एक घंटे बाद आओगे तो आपकी रिंग निकल सकती है। तब केरल कहती है लेकिन ये काम तो आप भी कर सकते हो। तब वो ज्वेलरी शॉप का ऑनर कहता है मैं ये बिल्कुल कर सकता हूँ पर मैं अभी फ्रंट डेस्क को छोड़कर नहीं जा सकता, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है और सिक्योरिटी सिस्टम भी सुबह के बाद बंद हो जाते हैं, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता। तब केरल कहती है ये मेरे पहले बॉयफ्रेंड की रिंग है और मैं कैसे भी इसे निकालना चाहती हूँ ताकि मैं उसकी यादों को भूल सकूँ, जब तक ये रिंग मेरे हाथ में रहेगी तब तक मैं दूसरे आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकती। केरल की ऐसी बातें सुनकर वो ऑनर कहता है चलो मेरे साथ पीछे चलो, मैं अभी इस रिंग को कट कर देता हूँ। आगे वो ऑनर डोर को लॉक करके केरल के साथ पीछे जाने लगता है। तब वो ऑनर देखता है कि केरल के साथ व्हील चेयर पर कोई बूढ़ा आदमी भी आया हुआ था और वो केरल से उसके बारे में पूछता है क्या ये ठीक है। तब केरल कहती है ये मेरे डैड है और ये ठीक है पर इन्हें लकवा मार गया था, तब से मूवमेंट नहीं कर पाते। आगे केरल ऑनर के साथ शॉप के पीछे चली जाती है और ज्वेलरी शॉप में बस हेनरी अकेला ही था, उसके सामने काफी सारी एंटिक ज्वेलरी रखी हुई थी। हेनरी और केरल उन सारी ज्वेलरी को चुराने वाले थे और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।